गुड मॉर्निंग माई डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। सबसे पहले आज हम आपको बता दूं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था मनी इन्फ्लेशन का टॉपिक, मुद्रा स्फीति का टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने क्या क्या इसमें पढ़ लिया। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारा मुद्रा स्फीति का टॉपिक कई दिनों से चल रहा है, जिसमें ये इसका छठा वीडियो है, सिक्स्थ वीडियो है। हमने अलग अलग वीडियो, भाग एक, भाग दो, भाग तीन, इस तरीके से वीडियो बनाए हैं ताकि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ सके। अब जो हमारा मनी इन्फ्लेशन से रिलेटेड टॉपिक है उसमें जो हमारा टॉपिक चलेगा सब टॉपिक, दैट इज स्फीतिकारी अंतराल या इन्फ्लेशनरी गैप है। तो आपको इस इन्फ्लेशनरी गैप को समझाया जाएगा, ये इन्फ्लेशनरी गैप की अवधारणा किसने दी है, क्यों ये उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले आप जानिए कि जॉन मेनार्ड कीन्स यानी कि J.M. कीन्स, जिन्होंने अर्थशास्त्र को एक नई दिशा प्रदान की, एक नई गति प्रदान की, इन्हें कहीं कहीं जॉन मेनार्ड कीन्स, J.M. कीन्स या J.M. केन्स भी लिखा जाता है, इन्हें केन्स भी लिखा जाता है कई जगह। तो इन्होंने स्फीतिकारी अंतराल की धारणा दी। उन्होंने ये कहा कि स्फीतिकारी अंतराल क्या है, कि अर्थव्यवस्था में एक ऐसा गैप पैदा हो जाता है, एक ऐसा अंतराल पैदा हो जाता है जिसके कारण कीमतें बढ़ने लगती हैं या मुद्रा स्फीति उत्पन्न होती है, इन्फ्लेशन आ जाती है, एक ऐसा गैप होता है। तो क्या होता है ऐसा गैप? तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें आना पड़ेगा समग्र मांग और समग्र पूर्ति पर। ये क्या होता है? आप अच्छी तरीके से जानते हैं, चाहे आप हो, आपके पड़ोसी हो, चाहे सरकार हो, या कोई व्यापारी हो, या कोई किसी भी तरह का कोई भी काम करने वाला व्यक्ति है, सबको किसी ना किसी प्रकार से मार्केट में जाकर किसी ना किसी प्रकार की वस्तु को खरीदना ही होता है। जैसे कि व्यापारी है, उसे कच्चा माल चाहिए, निवेश के लिए धन चाहिए। उपभोक्ता है, उसे उपभोग्य वस्तु चाहिए, ठीक है। एक ठेकेदार है, ठेकेदार है तो उसे सीमेंट चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई सब्जी वाला है तो उसे थोक में सब्जियां चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि एक अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के जो लोग होते हैं, चाहे संस्था होती है, इवन सरकार की बात करें, तो सरकार को किन चीज़ों की जरूरत होती है? सरकार को भी बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है। अगर उसे कहीं रोड बनाना है तो उससे रिलेटेड सामान चाहिए, कहीं बस्ते बांटने हैं तो उससे रिलेटेड सामान चाहिए, कहीं लैपटॉप बांटना है तो उससे रिलेटेड सामान चाहिए। तो कहने का मतलब है कि एक इकोनॉमी में विभिन्न वर्गों को, चाहे वो वर्ग कोई भी हो, चाहे सत्ता हो, चाहे जनता हो, चाहे व्यापारी हो, सबको किसी ना किसी प्रकार की वस्तु की डिमांड होती है। और जब इन सभी लोगों की, संस्थाओं की डिमांड को जोड़ दिया जाता है, एक साथ रख दिया जाता है, तो वो क्या कहलाती है? एग्रीगेट डिमांड कहलाती है। क्लियर? इसी तरीके से अर्थव्यवस्था में समग्र पूर्ति भी होती है। कहने का मतलब ये कि जो उत्पादक होते हैं वो बहुत प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, ठीक है। उत्पादन किसका हो सकता है? कपड़े का हो सकता है, वाहन का हो सकता है, लैपटॉप का हो सकता है, बेडशीट का हो सकता है, किसी भी प्रकार की वस्तु का उत्पादन हो सकता है, ठीक है। तो इन सभी प्रकार की वस्तुओं का जो प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है? कुल मिला के उस अर्थव्यवस्था का समग्र पूर्ति कहलाता है। समग्र पूर्ति कहलाई गई क्योंकि जो लोग डिमांड कर रहे हैं विभिन्न प्रकार की वस्तु और सेवाओं की, उसका प्रोडक्शन कहीं ना कहीं तो होगा ही, और उसका जो कुल मिला के प्रोडक्शन होता है वो समग्र पूर्ति कहलाता है। तो एक अर्थव्यवस्था तब साम्य में कही जाती है कि जब उस अर्थव्यवस्था में जितनी वस्तु और सेवाओं की मांग की जा रही है उसके बराबर उस अर्थव्यवस्था में समग्र पूर्ति उपलब्ध हो। तो ये तो है एक साम्य की स्थिति। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। समग्र पूर्ति का मतलब क्या है? कि जो वस्तु और सेवाएं हैं उनका प्रोडक्शन है, क्योंकि ये जो वस्तु और सेवाएं हैं यही तो बाजार में आती है सप्लाई के लिए। तो जब वस्तु और सेवाओं का प्रोडक्शन होता है तो उस प्रोडक्शन को करने के लिए किसकी जरूरत होती है? उत्पादन के साधनों की। अब हम यहाँ पर हमारे मेन टॉपिक पे आना शुरू करते हैं। उत्पादन के साधनों की जरूरत होती है। उत्पादन के साधन कौन से होते हैं? वही हमारे श्रम, भूमि, कच्चा माल, तकनीक, प्रबंधक, पूंजी,
ये सब उत्पादन के साधन है। अब ये जो उत्पादन के साधन है वो एक अर्थव्यवस्था में एक पर्टिकुलर टाइम पर तो सीमित होते हैं। पर्टिकुलर टाइम का मतलब ये है कि आज अगर हम आज प्रेजेंट डे की बात करें तो प्रेजेंट डे में हमारे देश में उत्पादन करने के लिए श्रम, भूमि, पूंजी, कच्चा माल, तकनीक, प्रबंधक सब एक सीमित मात्रा में है, एक लिमिटेड मात्रा में। ये बात अलग है कि 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद या 1 महीने बाद इनके मात्रा में किसी भी प्रकार से वृद्धि की जा सकती है। हम बात करते हैं एक समय बिंदु की, एक समय बिंदु पर तो ये स्थिर ही है। जब इन सभी साधनों को काम पर लगा लिया जाता है, एक समय पर जितने भी साधन उपलब्ध है उस देश में, उन सभी साधनों को अगर काम पे लगा लिया जाए, प्रोडक्शन में काम में ले लिया जाए और एक भी साधन एक्स्ट्रा ना बचे, जो जो काम चाहते हैं सबको काम मिल जाए, चाहे वो श्रम को काम मिलने की बात हो, चाहे भूमि को किसी तरीके से प्रयोग करना हो, जितना भी कच्चा माल है वो भी प्रोडक्शन में काम आने लग गया, तकनीक काम में आ रही है, इवन जो मैनेजर्स होते हैं उनको भी काम मिल गया है, तो ये जितने भी उत्पादन के साधन हैं इनको काम मिल जाता है, एक भी एक्स्ट्रा साधन नहीं रह जाता है जो कि काम चाहता है, तो इस स्थिति को हम कहते हैं पूर्ण रोजगार की स्थिति। इसे हम क्या कहते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन या पूर्ण रोजगार की स्थिति। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन्फ्लेशनरी गैप की, वो क्या होता है। इन्फ्लेशनरी गैप को समझाने के लिए हमने यहाँ पर एक ग्राफ तैयार किया है। एक्स अक्ष पर हमने एक देश में उत्पादन की मात्रा को लिया है और ब्रैकेट में लिख दिया है पूर्ण रोजगार स्तर पर। वाई अक्ष पर हमने उस कंट्री के लिए लिया है समग्र मांग की मात्रा को। अब आप देखिए, ये जो 45 डिग्री की रेखा है उस पर हमने लिखा है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 45 डिग्री की रेखा के बारे में आप जानते हैं कि अगर कोई दो अक्षों के बीच में 45 डिग्री की रेखा के आधार पर कोई वक्र बनाया गया है तो उसका मतलब ये होगा कि उस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर, चाहे बिंदु यहां लिया जाए चाहे बिंदु यहां लिया जाए, उस बिंदु पर एक्स अक्ष पर जो चर लिया गया है और वाई अक्ष पर जो चर लिया गया है दोनों की मात्राएं बराबर होंगी। कैसे, आपको मैं थोड़ा सा बताती हूं। अगर आप यहां पर कोई बिंदु लेते हैं उसका नाम रख देते हैं बिंदु M, तो बिंदु M का मतलब ये है 45 डिग्री रेखा के बिंदु M का मतलब ये है कि इस बिंदु पर जितनी मात्रा प्रोडक्शन की है उतनी ही मात्रा मांग की है। ठीक है, तो इसका मतलब 45 डिग्री की यह रेखा बताती है कि इस रेखा के प्रत्येक बिंदु पर उत्पादन की मात्रा और मांग की मात्रा बराबर है। और मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो एक देश का प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, देश की सप्लाई भी होता है। तो यहाँ पर उत्पादन की मात्रा कह लीजिए या समग्र पूर्ति कह लीजिए, एग्रीगेट सप्लाई AS कह लीजिए, बात एक ही है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि 45 डिग्री की रेखा क्या शो करती है कि इस रेखा के प्रत्येक बिंदु पर जितनी एग्रीगेट डिमांड है, जितनी समग्र मांग है, उतनी समग्र पूर्ति भी है। क्लियर। अब हम बात करते हैं एक देश की स्थिति की। माना एक देश में जितने भी उत्पादन के साधन हैं उन सभी को किसी ना किसी प्रकार से प्रोडक्शन के काम में लगा लिया गया है और उस देश के जितने भी प्रोडक्शन के साधन है, उत्पादन के साधन है, उनकी मात्रा टोटल है OYF। पूर्ण रोजगार कितना है? पूर्ण रोजगार स्तर कितना है देश में? OYF। इस कंट्री में जितने भी उत्पादन के साधन है उनकी मात्रा है OYF। और जब OYF उत्पादन के साधनों को सभी प्रकार के उत्पादन के कार्यों में लगा दिया गया है तो उत्पादन की मात्रा कितनी हो गई? OYF। वैसे हमने यहाँ पर पूर्ण रोजगार लिया है, इसको ये पूर्ण रोजगार नहीं है, एक्चुअली में हम इसको ऐसे कहेंगे कि पूर्ण रोजगार स्तर पर उत्पादन कितना है। हमने एक्स अक्ष पर उत्पादन लिया है तो
तो पूर्ण रोजगार स्तर पर उत्पादन कितना है? OYF। पूर्ण रोजगार स्तर पर उत्पादन की मात्रा है OYF। ये देश में प्रोडक्शन की स्थिति है। 45 डिग्री की रेखा ये कहती है कि इस रेखा पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है। तो क्या हम अब ऐसे कहेंगे कि पूर्ण रोजगार स्तर पर जो उत्पादन हुआ है OYF उतनी ही मांग की मात्रा है? नहीं, एक्चुअल में जो मांग वक्र होता है, समग्र मांग वक्र होता है, वो 45 डिग्री की रेखा पर नहीं निकलता, वो थोड़ा सा फ्लैटर होता है, जिसे हम यहां बनाने वाले हैं। ये जो हमने ब्लू कलर से वक्र बनाया है, ये एक कंट्री के लिए एक्चुअल समग्र मांग वक्र या एडी है। ये एक्चुअल समग्र मांग वक्र या एडी है, जो ये कहता है कि एक अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे मांग बढ़ती है, तो वो ऊपर की तरफ होती जाती है। अब आप देखिए, देश में पूर्ण रोजगार स्तर पर जो प्रोडक्शन है वो है OYF, ठीक है, लेकिन उत्पादन स्तर OYF होने पर जो मांग है वो कितनी है? उत्पादन स्तर OYF होने पर जो डिमांड है वो कितनी है? मांग हमने यहां नापी है, मांग है पूर्ण रोजगार स्तर पर, हम मांग को ऐसे लिखेंगे, मांग एग्रीगेट डिमांड कितनी है? ये है AYF। मांग कितनी है? AYF, ठीक है। और जबकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो कितना है? OYF, ठीक है। अब हम कहेंगे कि समग्र मांग और समग्र पूर्ति में यहां अंतर है, तो कितना अंतर है? उस अंतर को नापने के लिए हम इसको वर्टिकल देखेंगे। कैसे? क्योंकि जब हमने ये कहा है कि एक देश में जो पूर्ति वक्र है, जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है, इस बिंदु पर बराबर है, तो जो BYF दूरी है वही एक्चुअल में इस अक्ष पर, यहां पर अगर हम ग्राफ खींचेंगे, उसकी दूरी भी होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी में समग्र मांग तो AYF है, ठीक है, लेकिन जो पूर्ति हो रही है वो कितनी हो रही है? BYF। तो इकोनॉमी में जो गैप है वो कितना है? AB। ये जो गैप AB है वो एग्रीगेट डिमांड की अधिकता को बताता है, या हम ऐसे कहेंगे कि यहां पर स्थिति ये उत्पन्न हो गई है, एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो ऐसा होने पर क्या होगा कि अर्थव्यवस्था में मांग स्तर बढ़ने लगेगा। ये जो AB है ये है इन्फ्लेशनरी गैप, इसे हम बोलेंगे स्फीतिकारी अंतराल, ठीक है। अब ये जो स्फीतिकारी अंतराल है ये ऐसा है जिसे भरा भी नहीं जा सकता है। क्यों नहीं भरा जा सकता है? कि सप्लाई डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उत्पादन करना पड़ेगा। लेकिन उत्पादन तो तब होगा जब हमारे पास रोजगार के साधन होंगे। हम पहले ही कह चुके हैं कि यहाँ पर पूर्ण रोजगार की स्थिति है, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किसी भी तरह का साधन उपलब्ध नहीं है। इसलिए हम यहाँ ये कहेंगे कि जो ए बी है वो स्फीतिकारी अंतराल है, जिसके कारण जो कीमत बढ़ना शुरू हो गई है। तो इस प्रकार हमको क्या समझ में आया, हमने क्या जाना यहाँ पे, कि जे एम कीन्स ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में एक गैप उत्पन्न हो जाता है, उस गैप के उत्पन्न होने के कारण मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। तो ये गैप उत्पन्न क्यों होता है? इसका कारण सीधा सा ये है कि जितने भी उत्पादन के साधन है उनको रोजगार मिला हुआ है। अब मैं इसे मिटा देती हूँ, इसे हम अलग तरीके से समझाएंगे। अब देखिए, जेएम कीन्स कहते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में जितनी समग्र पूर्ति है, जितनी समग्र मांग है उतनी समग्र पूर्ति है, तो ये एक बैलेंस की स्थिति है, ठीक है। लेकिन अगर किसी कारण से एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाती है और एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाती है, यानी कि पूर्ति कम है मांग ज्यादा है, तो
तो प्राइस लेवल क्या होगा? वो बढ़ने लगेगा। प्राइस लेवल जब बढ़ने लगेगा तो इसको डाउन लाने का तरीका क्या है? जैसे हमने मुद्रा स्फीति के उपायों में पढ़ा है कि लोगों की मांग को कम किया जाएगा, ठीक है, मांग को कम किया जाएगा कैसे भी। हमने किस में पढ़ा था? ये मौद्रिक उपायों में पढ़ा था, ठीक है, मांग को कम किया जाएगा। लेकिन प्राइस लेवल को नीचे लाने के अलावा एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कि उत्पादन को भी बढ़ाया जाए, उत्पादन को भी बढ़ाया जाए। उत्पादन को बढ़ाने से क्या होगा कि ये जो गैप है, ये जो अधिकता है, ये इक्वल हो जाएगी। लेकिन कीस कहते हैं कि अगर ये स्थिति उत्पन्न हो गई है तो इसे दोबारा इसमें नहीं बदला जा सकेगा। अगर अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है, पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान होने का मतलब ये है कि इकोनॉमी में जितने भी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो सभी के सभी रोजगार या एम्प्लॉयमेंट पा चुके हैं। अब एक्स्ट्रा साधन नहीं है जो प्रोडक्शन को काम में लग के और भी ज्यादा उत्पादन को बढ़ा सके। तो कीन्स का ये कहना है कि जब एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा एग्रीगेट डिमांड हो जाती है और फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, पूर्ण रोजगार की स्थिति है, तो इस गैप को कम नहीं किया जा सकेगा एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। दीर्घ काल में तो हम कर सकते हैं। तो जो जॉन मैनार्ड कीन्स है उनके सभी सिद्धांत, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो अल्पकाल से रिलेटेड है, वो दीर्घकाल की तो बात ही नहीं करते हैं। वो तो एक उनका उनका जो एक मशहूर वक्तव्य है कि दीर्घकाल में तो हम सब मर जाते हैं। तो वो ये कहते हैं कि अल्पकाल में अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो किसी भी तरीके से इस गैप को नहीं भरा जा सकता है, जिसका परिणति क्या होगी कि मुद्रास्फीति उत्पन्न होने लग जाएगी। हाँ, दीर्घ काल में इस स्थिति से छुटकारा पाया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने क्या समझे कि स्फीति कार्य अंतराल एक ऐसी स्थिति होती है जो फुल एम्प्लॉयमेंट अल्पकाल से रिलेटेड होती है, और अगर फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, पूर्ण रोजगार की स्थिति है, अल्पकाल की स्थिति है, तो एग्रीगेट डिमांड के ज्यादा हो जाने के कारण कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने स्फीति कार्य अंतराल भी पढ़ लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा फिलिप्स वक्र, जिसे हम अपने सातवें वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद हम मुद्रा स्फीति को पढ़ चुके होंगे और उसके बाद हम लेंगे मुद्रा स्फीति की उल्टी स्थिति, जिसे हम बोलते हैं मुद्रा अपस्फीति। तो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।